तो फ्रेंड ये है मेरा लाइव प्रोग्राम का वीडियो। यहाँ जो है हरि कीर्तन हो रहा है, इसमें मैंने दो एम्पलीफायर का यूज किया है। आप जो ये देख रहे हैं LX3200 एवजा का पावर एम्पलीफायर, इसमें एक नंबर चैनल पे मैं दो टॉप को चला रहा हूँ। ये देखिए इधर, जो आपको उधर वो दोनों टॉप दिख रहा है DL15 का, उसे मैं एक नंबर चैनल पे चला रहा हूँ और दूसरे चैनल पे मैं DL15 का ही सिर्फ एक बॉक्स चला रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उधर, उधर जो है वो पीछे साइड जो है उसको मैं चला रहा हूँ। और ये जो BTZ 10000 है उसके एक जोन पे मैं 6 ड्राइवर यूनिट को चला रहा हूँ। हालांकि थोड़ा अभी क्लिपिंग हो रहा है, उसको हमको कम करना पड़ेगा। और ये दूसरे में देखिए, इसमें मैं एक स्टेज मॉनिटर के तौर पे एक DL15 का बॉक्स यूज किया हूँ, उसी को मैं BTZ 10000 पे चला रहा हूँ। और इसमें मैंने स्ट्रेंजर का 8 चैनल का मिक्सर यूज किया हुआ है, ये देखिए। और सेटिंग कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक नंबर में मैंने ओजा का कॉर्डलेस माइक लगाया है, ये WM490V2। और उसका सेटिंग आप देखिए, बेस को मैं कम कर दिया हूँ, और यानी ये वोकल के लिए दिया हूँ, तो मैं मिड और ट्रेबल दिया हूँ इसमें। और ये दो नंबर में आप देख रहे हैं, ये है ढोलक के लिए, इसमें मैं बेस को खोला हूँ, मिड और ट्रेबल को बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। और ये तीन नंबर में आप, ये ढोलक के चाटी के लिए है, जिसमें मैं बेस को बंद कर दिया हूँ और मिड और ट्रेबल को खोल के रखा हूँ। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं 4 नंबर और 5 नंबर, इसमें भी मैं दोनों माइक में वोकल दिया हूँ, यानी वोकल के लिए मेरा 4 माइक अभी चल रहा है, 2 कॉर्डलेस और 2 तार वाला माइक है। तो कुछ इस प्रकार से सेटिंग था आज का। साउंड क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, और यदि सेटिंग में कुछ इधर उधर हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। दोनों एम्पलीफायर को चलाने के लिए मैंने 5 KVA का स्टेबलाइजर यूज़ किया, ये देखिए।